मैं एयरपोर्ट पे गई, मतलब मैं लैंड करी नहीं होता की दिल्ली, हाँ सो मैं लैंड की एंड मैं आराम से निकल रही थी, मुझे पता नहीं, और एक कोई अंकल आदमी ऐसे आराम से ऐसे फ्लावर्स एंड ऐसे चॉकलेट्स के साथ ऐसे अरे शानी ऐसे करके, मैंने बोला इसको कैसे पता चला कि मैं आ गई। सो मैं एकदम से, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, सरप्राइज फॉर माई फैमिली एज वेल, सो आई डोंट नो कैसे उसको पता लगा था, आई वॉज वेरी स्कैर्ड एंड या ऑफकोर्स आई वॉज हैप्पी बाद में, बट इनिशियली आई वॉज लाइक ओ माई गॉड व्हाट्स हैपनिंग एंड स्टफ लाइक दैट। मोस्टली सारे फैंस ही क्रेजी होते हैं और वो क्रेजी पना देखने में अच्छा लगता है। हाँ। कोई आके हग कर लेता है, कोई किस कर लेता है, कोई इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला के देता है, सो आई थिंक वो हर एक फ़ैन अपने आप में एक क्रेजी होता है जो वो चीज़ करता है हमारे लिए, और आई थिंक एवरी जेस्चर डन बाय देम इज स्वीट एंड क्रेजी। आई थिंक एक्चुअली बहुत सारे मोमेंट रहे, लेकिन मुझे याद है एक ऐसा मोमेंट था जी, गुजरात से एक फैमिली आई थी और उन्होंने आई थिंक आके सबसे पहले, मतलब वो चार लोगों की फैमिली थी, मतलब माँ बेटा बेटी और बेटा, मतलब माँ मॉम डैड डॉटर एंड सन, चार लोगों की फैमिली थी, और जब आए तो सबसे पहले इतना छोटा बेटा था उनका, वो खड़े रहे आधा एक घंटा धूप में खड़े रहे, शूटिंग देखते रहे, तो हम सब सोचे पता नहीं हो सकता है किसी के रिश्तेदार हम कुछ होंगे, तो आधे यानी एक डेढ़ घंटे बाद वो बच्चा आया भागते हुए, मैं शॉट में था उस टाइम, बीच में आके एकदम शॉट के बीच में आ गया, उसने आके उसने कहा ऐसे नीचे किया, मतलब उसने कहा मुझे नीचे आने के लिए, बहुत छोटा था बेचारा, तो मैं नीचे गया, उसने मेरी मूंछ खींची, उसको लगा उसको वो ये फाइंड आउट करने आया कि मूंछ रियल है कि ना, कि असली है नकली है, तो आई थिंक बहुत क्यूट मोमेंट्स हुए ऐसे कि खास करके लोग गुजरात से आए हैं इतने दूर से प्रताप की शूटिंग देखने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं, बट आई थिंक कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद आते हैं। Well, I think I've had quite a few crazy fan moments, but I remember one very, very clearly. When I was shooting for this movie called Koi Aapsa, तो एक fan था, it was raining, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे बताया गया था that there's somebody waiting for you. तो you know, short case में, scene case में, you're so preoccupied, इतना काम होता है, तो मेरे ध्यान से निकल गया. फिर 8-8.5 घंटे बाद, you know, after midnight, like 12 बज चुके थे, that fan was still waiting there with that card, you know, with a sweet letter, with pictures to give me, you know, all of that and to meet me. So yeah, that is one crazy fan moment. I think with my past couple of shows, my husband's been always very, very bad. मेरे जो पति रहे हैं शो में वो बहुत ख़राब थे, जैसे कि my ex-husband is this show, Samrat was terrible, and from Balika Vadhu, Vasant was very bad. So, जब भी कोई बुज़ुर्ग दादी या नानी मिलती है, आई रिमेंबर वंस आई वॉज वॉकिंग इन ऑर्बिट, वन ऑफ द दादी वो व्हील चेयर पर जा रही थी, उन्होंने मुझे बुला कर बोला कि उस सम्राट को ना ज़ोर से थप्पड़ लगाना और वो खाना नहीं देता ना, तो मेरे घर में आ जाना, एंड शी लिटरली थॉट दैट आई एम उर्मी, एंड आई थिंक दिस वन ऑफ द क्रेजियस्ट थिंग आई वुड हैव एक्सपेक्टेड, बिकॉज शी डजंट थिंक दैट आई एम नेहा, शी जस्ट थिंक दैट आई एम उर्मी, एंड दैट्स हाउ शी कनेक्ट्स मी। यार वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे साथ कोई क्रेजी फैन मोमेंट तो हुआ नहीं आज तक, बट व्हेन इट कम्स टू फैन, मुझे आज तक याद है कि मुझे पहली बार किसी ने पहचाना था तो एयरपोर्ट पे पहचाना था एक आंटी ने, और शी जस्ट सेड मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगता है, बस मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, सो आई डोंट हैव एनी क्रेजी फिल्मी स्टोरी, बट समटाइम्स रियलिटी में बहुत खूबसूरती होती है, सो दैट्स माई फैन मेमोरी।